गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है 15 अक्टूबर, दशहरा है और आज हम आए हैं यहाँ पे। हमारा जो एक जू है नंदन कानन, जो कि बहुत फेमस है और एकलौता है उड़ीसा में, तो चलिए आज इसको एक्सप्लोर करते हैं। मेरे बैक साइड में देख रहे होंगे, फाइनली टिकट मिल गया। ये देखिए टिकट, और ये जो काउंटर है यहाँ पे है, यहाँ पे प्राइस भी लिखा गया है। देखिए मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक बारकोड है, और ये बारकोड को वो जो गेट है वहाँ पे स्कैन किया जाता है, वहाँ पे टंगस्टन लगा हुआ है तो ही वो खुलता है, तभी आप जा पाएंगे अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं जो मेन एंट्रेंस है उसके तरफ। यहाँ पे एक अच्छा सिस्टम किया गया है, यहाँ पे जो देखिए प्लास्टिक बोतल रेगुलेशन सेंटर, अगर आप बोतल अंदर ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, लेकिन वहाँ से एक टिकट आपको देंगे, वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा और बोतल भी दिखाना पड़ेगा रिटर्न के टाइम। तो गुड इनिशिएटिव भाई। ये आ गया अपना मेन एंट्रेंस। तो एंट्री हो गए हम पार्क के अंदर फाइनली। देखिए कितना बड़ा फाउंटेन है, ये जस्ट एंट्रेंस है। बहुत बड़ा पार्क है ये, और उड़ीसा में ये एकलौता पार्क है, जूलॉजिकल पार्क, जहाँ पे एनिमल्स बर्ड्स सब कुछ देखने को मिलता है। और यहाँ पे बैटरी व्हीकल का सिस्टम भी है, अगर आप चाहें तो यहाँ से बुक कर सकते हैं, पर पर्सन 80 रुपीज़। ये देखिए एंट्री करते करते हमको ये क्या मिले, जय बजरंगबली। ये साइड में बच्चों के खेलने के लिए कुछ बनाया गया है, छोटा मोटा पार्क जैसा। वेदर भी आज काफ़ी बढ़िया है, मतलब आसमान में बादल हैं, बारिश कभी भी हो सकता है। देखते हैं पहले किसका दर्शन होता है, या फिर वो लोग अभी तक सोए हैं, उठे नहीं। ये है देखिए यहाँ पे स्लॉथ बियर। यहाँ पे देखिए कितना ग्रीनरी है, मतलब कोविड के वजह से बहुत टूरिस्ट आना कम हो गया है, नहीं तो अभी पूरा पूरा भीड़ रहता है इधर। कपड़ा बंद है जो भी बाहर में, सीधी कपड़ा बंद है जो भी।
और उधर भालू के बाद यहाँ पे है इंडियन फॉक्स, ये देखिए आपके सामने खड़ा है इधर, आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखिए इंडियन फॉक्स। अपने गुफा के अंदर चला गया, चलते हैं नेक्स्ट क्या है देखते हैं। और ये है हिमालयन ब्लैक बियर जो कि अंदर है, दिख नहीं रहा है कहीं पे। यहाँ पे भी वही है स्लॉथ बियर, छोटे छोटे और अभी हम आके पहुंचे हैं, पीछे देख रहे होंगे टाइगर, ये देखिए लियोपर्ड पैंथर और उड़िया में इसको बोलते हैं कलरा पत्रिया वाघ, तो चलिए देखते हैं वो अंदर है या नहीं। गुड गुड चलो हे गॉट टू ओवर टू निगा गॉट टू ओवर हुई थी। तो अभी हम आगे पहुंचे हैं एसिटिक वाइल्ड डॉग, स्टोरी ऑफ कानन टाइगर्स, वही टाइगर सबसे ज्यादा फेवरेट है, वो फाइन कैप्टिव मेल टाइगर टू टू दिस ओपन एयर स्ट्रैपिंग हर फ्रीडम ऑफ द लायन स्ट्रेन लिव बट द टाइगर ऑफ द फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स वाज इन द कान।
this is, it's stripped, hai na. Acidic lion. वो सब सो रहे हैं उधर देखे. अरे इधर एक है. जो देख रहे थे वो अफ्रीकन लायन. इंडियन टाइगर. ये रहा अपना इंडियन टाइगर. देखिए We are proud to adopt one of Bengal tiger and tea. Actually we are losing our tigers, so we are losing our environment, so we need to be careful and be safe for them. This is a layout map. तो अगर आप कहीं खो गए हैं और किसी जगह का रास्ता चाहते हैं सो इट विल हेल्प. तो अभी हम जा रहे हैं एलिफेंट देखने और धूप भी बहुत हो रहा है तो पसीना ज़बरदस्त निकल रहे हैं.
Here is the elephant. चल रहा लगा चलो McDonald House. तो अंदर चल के देखते हैं क्या है इसके अंदर. अंधेरा दिख रहा है. ब्राउन हाउस. ये देखिए कितने आराम से सो रहे हैं. ये है सांबर. सांबर सांबर है रे. सांबर इडली सांबर है. अरे सांबर ओकरे साथ ही कर सो रहे हैं सब. देखे का वहां भीड़ है. वहां भी बैठी है. वहां भीड़ है. वहां तो ऐसा हम फोटो खिंचवा लेते हैं. शुरू कर दिया. दोनों खा रहे हैं. बाकी यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं. ये एक डिफरेंट स्पीशीज का डियर है. यहाँ पे शायद कुछ है. चलिए देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे देखने के लिए. स्मॉल मामल एनक्लोजर कॉम्प्लेक्स. तो देखते हैं इधर क्या क्या है. जंगल केट. जंगल केट कहाँ गया. अंदर बैठा हुआ है. देखिए इधर है जंगल केट. और नेक्स्ट है रेटल. भालू
यह इंडियन पॉर्क्यूपाइन का बॉडी जो है पूरा वो नुकीला रहता है, तो इनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। तो नुकीले कांटों से भरा रहता है इनका बॉडी। और ये है कॉमन मंगूस, देखिए इधर ये घूम रहे हैं दोनों। दोनों आराम से बैठे हुए हैं। और ये क्या है? ये है इंडियन स्पॉटेड सेवरोटियन, इंडियन स्पॉटेड सेवरोटियन। इनको देखते हैं कहाँ है। ये मिल गए दोनों, आराम से बैठे हुए हैं अंदर, खा रहे हैं। थोड़ा जूम करते हैं, ये मिल गए दोनों। जेंट स्क्विरल, वो रहे जेंट स्क्विरल, आराम से झूला हुआ है उधर। देखो थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखो आ गया इधर। हाय, हेलो, हाउ आर यू? ऑलमोस्ट हमने 70% कंप्लीट कर दिए हैं। और ये मिडिल में आके पहुंच गए हैं। ये देखिए यहाँ पे एक डायनासोर बना हुआ है, कितना सुंदर दिख रहा है। गाइज एक्चुअली ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, और आप लोग बहुत सारे लोग ये चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत बहुत मेहनत लगता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, तो फिर जो वीडियो बनाते हैं उसका हौसला भी थोड़ा बढ़ेगा। तो अभी हम आके पहुँच चुके हैं और देखते हैं इधर क्या है। गौर, जिसको उड़िया में गौर बोलते हैं। ये इधर है बहुत दूर, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। घड़ियाल लॉन्ग स्नाउटेड क्रोकोडाइल देखते हैं। और ये है मगर क्रोकोडाइल, देखिए यहाँ पे एक ऑलरेडी पड़ा हुआ है अंदर आ करके, मुंह खुला।
यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो, ये देखिए। देखिए एक्चुअली ये जू जो है बहुत बहुत बड़ा है और बहुत सारे स्पाइसेस का एनिमल्स और रेप्टाइल्स और बर्ड्स, बहुत सारे स्पाइसेस का एनिमल्स है, तो ये बहुत टाइम लगेगा मतलब घूमने के लिए। आप मिनिमम आप पकड़ लीजिए 3 घंटा लगेगा आपको। अभी आ गया स्नैक्स, इंडियन रॉक पाइथन, देखो ऊपर इंडियन रॉक पाइथन ये है, ऊपर सो रहा है वो। ट्रिंकेट स्नैक, यहाँ पे ये तो दिख नहीं रहा है, मोनोलेट कोबरा। इंडियन रॉक पाइथन रसल भाइबर, ये देखिए। हमर जहाँ देखो किंग कोबरा, किंग इज ऑलवेज द किंग। अरे तौले नहीं गो देख लो इंडो ऐसे ही था उड़ अमेरिकन अमेरिकन चट्टा अच्छा एक दुई तीन चार आर्टिकुलेटेड पाइथन, टू पीस का पाइथन कहाँ पे इंडियन स्टार टॉर्टोइस, इंडियन स्टार टॉर्टोइस, ये है येलो अनाकोंडा, येलो अनाकोंडा है।
यहाँ पे किंग कोबरा देखिए ये टॉय ट्रेन जो है वो अभी रिसेंटली लास्ट वीक ही इनॉग्रेट हुआ है, जो पहले था लेकिन इतना अच्छा नहीं था, अभी इसको बहुत अच्छे से किया गया है। देखिए कॉस्ट का मतलब डिटेल्स दिया गया है और प्रोजेक्ट का डिटेल्स भी दिया गया है, यहाँ से आप टिकट बुकिंग करवा के उसमें बैठ सकते हैं। चलिए पूछते हैं टिकट का कॉस्ट कितना है। किसी नहीं इधर है हिप्पोपोटामस, दिख तो नहीं रहे देखिए ये जगह जो है ये हिप्पो के लिए किया गया है, लेकिन इधर देखिए मैं थोड़ा जूम करता हूँ, सारे हिप्पो जो वहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। एक छोटा हिप्पो भी है जो सो रहा है अपने फैमिली के पास। अभी कोविड के बाद थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा है, यहाँ पे जो मोनोकेबल प्लास्टर्ड एरियल रोप हुए ये भी अभी काम चल रहा है, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी न्यू ईयर तक ये भी रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे जो है यहाँ पे बोटिंग पॉइंट है, यहाँ पे एक छोटा सा लेक जैसा है, आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा लेक जैसा है, यहाँ पे लोग बोटिंग करते हैं। पहले तो मैं जब 3-4 ईयर्स पहले आया था वो 100 रुपीज़ लेते थे पर आवर का। यहाँ पे देखिए Thank you.
भी वही सेम प्राइस है बोट का। फोर सीटर बोट जो है वो 100 रुपीज़ है और जो टू सीटर बोट है वो 50 रुपीज़ है। कुछ देर पहले जब मैं बोल रहा था हिप्पो लोगों का हिप्पो का चल रहा है मीटिंग इधर, फैमिली मीटिंग, देखिए थोड़ा नज़दीक है देखा मैं यार ऊपर का। ब्यूटीफुल वाटर फाउंटेन्स in between the lake. तो एक्चुअली हमने 80% तकरीबन कवर कर लिया है और खाली 20% अभी बचा हुआ है। तो जो बचा हुआ है वो है बर्ड्स, तो उस तरफ जा रहे हैं। और एक्चुअली मैं एक उड़िया हूँ पर मैं हिंदी में ब्लॉग बनाता हूँ इसीलिए, क्योंकि मुझे अपना उड़ीसा को रिप्रेजेंट करना है बाहर। मतलब हमारे उड़ीसा के लोग जो हैं उनको तो ये सब जगह के बारे में पता है, तो उड़िया में बोलने के फ़ायदा कुछ नहीं है। जिन लोगों को पता है उनको तो एक्सप्लोर किया नहीं जा सकता, जिनको इस जगह के बारे में पता नहीं है उनको हमें बताना चाहिए कि हमारे उड़ीसा में ये चीज़ है और आप इधर आओ। तो एक तरफ से ये हमारा जो टूरिज्म है उसका प्रमोशन है। वाव, देखिए ये जगह आप पूरा एक बहुत बड़ा एरिया को कवर किया गया है नेट के थ्रू। मतलब बर्ड्स पैराडाइज है ये, कितने सारे बर्ड्स को इधर रखा गया है। देखो एक फाउंटेन भी है, दो फाउंटेन है, मतलब आर्टिफिशियल एक एटमोसफियर क्रिएट किया गया है उनके लिए, जैसे उनको फील ना हो कि वो मतलब किसी कवर्ड एरिया में है। थोड़ा नज़दीक जाते हैं। वाओ, मैंड्रिन डॉक्स देखिए इधर है। एशियन ओपन बेल स्टॉक, ये है ब्राह्मिनी काइट। और ये है लेजर एडजॉइंट स्टॉक, देखिए कितना बड़ा है। ओ माय गॉड, ही इज सो बिग। सारस क्रेन, सारस बोगन है, सारस क्रेन।
और ये है सिल्वर फेसांट। रेड जंगल फॉल देख एडी देसी कुकुर ए हेंडी अछि देख तमा तमा धरो कोन एडा देसी कुकुर है ब्लैक कला ले जो पार्क जो फाइट चला थला ये ब्लैक कला कौन सा ब्लैक वाला जो पार्क में ना थला व्हाइट वाला कोला हमसो ये ब्लैक वाला ये फाइनली हमारा राष्ट्रीय पक्षी ये कोला में धरा है कोई and fight people. And guys, finally the trip is over. तो मिलते हैं next vlog में, तब तक के लिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत मेहनत जाता है वीडियो बनाने में. So hope you all will comment. Bye bye. We'll meet soon with another exciting vlog.